ये आम दृश्य है हमारे देश के ज्यादातर शहरों का। शहरों का निरंतर विस्तार, सरकारी सेवाओं पर बढ़ता भार, उससे चरमराता बुनियादी ढांचा तथा मूल सुविधाओं की कमी शहरी जीवन का आम हिस्सा बन गई है। ऐसी स्थिति में भी हमारे शहर राष्ट्रीय जीडीपी में 60% और रोजगार वृद्धि में 80% का योगदान कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उसके साथ मजबूत होती शहरों की आर्थिक स्थिति न केवल राजनेताओं का बल्कि आम नागरिकों का भी ध्यान आकर्षित कर रही है। अब हम शहरों को और अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आज जरूरत है शहरों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तौर पर सुदृढ़ बनाने की। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उससे बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करना बहुत ही कठिन कार्य है। शहरी प्रशासन, बुनियादी ढांचों का विकास और गरीबों की मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन यानी JNNURM को 2005-2006 में शुरू किया गया। मिशन शहरों में जल की आपूर्ति करवाना मिशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक मिशन शहर में जल आपूर्ति परियोजना जारी है, चाहे वो जल स्तर को बनाए रखना, जल का भंडारण या जल वितरण का काम हो। कई शहरों में 2400 घंटे जलापूर्ति संभव हो पाई है। इस मिशन की पहल से जल की बर्बादी करीब 15% तक कम की जा चुकी है और साथ ही वाटर ऑडिट और एनर्जी ऑडिट का इस्तेमाल जल संचय और रिसाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छ जल की आपूर्ति के साथ साथ अपनी कार्य कुशलता को बरकरार रखने के लिए संपत्ति कर सुधार तथा सेवा शुल्क का निर्धारण किया है, ताकि JNNURM के अंतर्गत किए गए पूंजी निवेश को भविष्य में बरकरार रखा जा सके। मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वच्छता और दूषित जल का प्रबंधन। इसके लिए एकीकृत सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से शहर के सभी तबके के लोगों को पूर्ण स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इसके अलावा शहरों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ दूषित जल को रिसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि घरेलू कूड़े कचरे को उचित जगह पर रखा जाए और साथ ही अजैविक कूड़े के रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जाए। मिशन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय काम किया है। हम सभी ने पिछले कुछ सालों में शहरों में बाढ़ से हुई बर्बादी देखी है, इसलिए मिशन ने बरसाती पानी की निकासी के लिए शहरों में नालों का विस्तार तथा नालों के रखरखाव का काम किया है। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नेचुरल इकोसिस्टम्स और भू जल स्तर को बनाए रखते हैं। रहने के लिए घर मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भारत सरकार शहरों में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर घर और साथ ही आधारभूत सुविधाएं जैसे जल संचय और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करा रही है। सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। मिशन अपने रिफॉर्म एजेंडा के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अलग अलग सुधार कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे कि ई गवर्नेंस, जिससे नागरिक संपर्क और कार्यान्वयन में सुधार हुआ है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाने से असली वित्तीय स्थिति और प्रत्येक नगर व्यवस्था पर लागत खर्च का अनुमान लगता है, जो प्रशासन एवं शहर की सभी लोक सेवाओं की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन में सहायक होती है। शहरों की प्रगति के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, अब जरूरत है उनमें तेजी लाने की।
मिशन की सफलता योजनाएं बनाने पर ही नहीं उन्हें लागू करने पर भी निर्भर करती है, जिससे मिशन योजनाओं में किए गए निवेश का लंबे समय तक प्रभाव बना रहे। लागू की गई योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे निश्चित समय सीमा में पूरी की जाएं। आज जरूरत है कि शहरी स्थानीय निकाय अपनी कार्य क्षमता को और सुदृढ़ करें तथा पूरे किए गए कार्यों को उचित तरीके से बनाए रखें। पिछले 20 साल से नांदेड़ में रहता हूं। इन कुछ सालों में जो कुछ भी नांदेड़ की तरक्की हुई है, जिसके लिए बहुत सारा बजट सेंट्रल से सैंक्शन हो गया है, उसकी वजह से नांदेड़ के सब रोड्स है, गुरुद्वारे का जो आसपास का परिसर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और ऐसे नांदेड़ का पहले का चेहरा और आपका चेहरे में काफ़ी फर्क महसूस हो रहा है। मेरा शहर, मेरा गौरव।